या नबी बस एक इशारा कीजिए, नबी बस एक इशारा कीजिए, या नबी या नबी या नबी या नबी बस एक इशारा कीजिए, बोले या नबी बस एक इशारा कीजिए, ए या नबी बस एक इशारा कीजिए, या नबी बस बस एक इशारा कीजिए, या नबी बस बस एक इशारा कीजिए, सूरत में यानी चांद की तरह, सूरत में सूरत में चाक सीना कीजिए, जिंदाबाद जिंदाबाद, चाक सीना कीजिए, सूरत में चाक सीना कीजिए, सूरत में चाक सीना कीजिए, मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, मेरे रब ने उनको मालिक कर दिया, मेरे रब ने उनको मालिक कर दिया, मेरे रब ने उनको मालिक कर दिया, इसलिए सुनियो मुस्तफा से, मुस्तफा से आप मांगा कीजिए, 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 या नबी बस एक इशारा कीजिए, या नबी बस एक इशारा कीजिए, आप पर जन्नत फिदा हो जाएगी, आप पर जन्नत फिदा हो जाएगी, के आप पर जन्नत फिदा हो जाएगी, बस मदीना ही मदीना कीजिए, बस मदीना ही मदीना कीजिए, बस बस मदीना ही मदीना कीजिए, या नबी बस एक इशारा कीजिए, या नबी बस इशारा कीजिए,
सूरत में चाके सीना कीजिए, सुन्नत असगर समझ कर आप भी, एक शेर के सुन्नत असगर समझ कर आप भी, सुन्नत असगर समझ कर आप भी, मुस्कुराया कीजिए, जख्म खा कर मुस्कुराया कीजिए, या नबी बस ये, या नबी बस ये। मैं माजरत चाहूंगा इस बात को कहने के लिए, आजकल जलसों के हवाले से बात बात अजीब सी है। मैं अभी था, सुन रहा था, एक साहब कह रहे थे कि अरे फलाना को बुलाते कम नजराना हो में आ जाता, मतलब एजेंट, मतलब जलसों का कारोबार करने वाले लोग बैठे हुए हैं, इतने में आ जाते, इतना ज्यादा देके क्या होगा। अच्छा एक बात पूछता हूँ कि जो नबी के नाम पे गर्दन कटा सकता है वो नबी के नाम पे कुछ भी कर सकता है, है कि नहीं, है ना, है ना। जान से बढ़कर क्या चीज हो सकती है, जान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जो इंसान नबी के नाम पे गर्दन कटा सकता है तो क्या जान के आगे दौलत की कोई हैसियत है? बस मैंने पहुंचा दिया, पहुंच जाइए। या नबी बस ये इशारा कीजिए, या नबी बस ये इशारा कीजिए, सूरत में चाक सीना कीजिए, पिलपिलापन पिलपिलापन छोड़िए अब शेख जी, पिलपिलापन छोड़िए अब शेख जी, अरे पिलपिलापन छोड़िए अब शेख जी, तेवर में बोला कीजिए, अजरी तेवर में बोला कीजिए, या नबी बस एक इशारा कीजिए, या नबी बस एक इशारा कीजिए, या नबी बस एक इशारा कीजिए। मैं जब आ रहा था तो एक भाई ने कहा कि असद भाई वो सुलह कुल्ली बहुत ज्यादा हो गए, तो उसके होने की वजह भी है कि हम पिलपिलापन अगर अपने अंदर रखेंगे तो सुलह कुल्लियत बढ़ेगी, तो जाहिर है अपने अंदर बिल्कुल पुख्तगी यानी रखने की जरूरत है, बिल्कुल ठोस रहने की जरूरत है। पिलपिलापन जहाँ होगा वहाँ सुलह कुल्लियत होगी। तो बस बस मैं उस भाई के हवाले से एक शेर पढ़ देता हूँ, बहुत हो चुका, बहुत सारी बातें हो चुकी, बस एक रीजा है
कि सुलह कुली सुलह कुली या तो समझे या मरे, सुलह कुली या तो समझे या मरे, सुलह कुली या तो समझे या मरे, कुछ मेरे ताजु शरिया की जिए, कुछ मेरे ताजु शरिया की जिए, कुछ मेरे ताजु शरिया की जिए। अबे शेर इधर, इजाजत अभी मेरा जुमला पूरा नहीं हुआ है, अगर आप इजाजत अगर आप हजरत इजाजत न दें तो मैं शेर पढूं। मैंने कहा कि अगर आप हजरत इजाजत न दें तो एक शेर पढूं, न दें तो एक शेर पढूं, एक शेर न दें तो मैं पढूं। मतलब मुस्कुराहट वाले जुमले भी आपको समझ में नहीं आते तो क्या कीजिएगा। एक शेर मुलाजा फरमा लें कि जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं मुंह की खाएंगे मियां, जानते हैं मुंह की खाना मुहावरा है, मुहावरे की जबान, जानते हैं मुंह की खाएंगे मियां, जानते हैं मुंह की खाएंगे मियां, जानते हैं मुंह की खाएंगे मियां, जानते हैं मुंह की खाएंगे मियां। इसलिए मुल्ला जी, अरे आला हजरत से न उलझा के जिंदगी क्यों दी गई मत भूलिए, जिंदगी क्यों दी गई मत भूलिए, जिंदगी क्यों दी गई मत भूलिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, दाता की आमद, इसहाकपुर के सुन्नी मुसलमान, इसहाकपुर के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि जिंदगी क्यों दी गई मत भूलिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, जिंदगी क्यों दी गई मत भूलिए, जिंदगी क्यों दी गई मत भूलिए, दर से अख्तर, दर से अख्तर,
हजरत याद रखा के जिए, दरसे यक्त याद रखा के जिए, या नबी बस एक इशारा की जिए, या नबी बस एक इशारा कीजिए कीजिए। बागिये अहमद रजा की ये यसद, बागिये अहमद रजा की ये यसद, अरे बागिये अहमद रजा की ये असद, बागिये अहमद हमसे हो ताजीम, अरे हमसे हो ताजीम तौबा की जिए, हमसे हो ताजीम तौबा की जिए, हमसे हो ताजीम तौबा की जिए, या नबी बस एक इशारा कीजिए।